सिविल अस्पताल पठानकोट में एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर साक्षी की अध्यक्षता में महिला मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स के लिए 2 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू की गई, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर रुपिंदर कौर विशेष तौर पर उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि डेंगू मलेरिया की संभावित आमद को ध्यान में रखते हुए सेहत विभाग की ओर से 2 दिवसीय ट्रेनिंग वर्कशॉप लगाई गई है, ताकि डेंगू मलेरिया को बढ़ने से रोका जा सके। बाकी इसमें हमें 2004 में NVBDCP आया था, ठीक में हमने DDT का रोल इसमें मच्छर के कंट्रोल में पाया था। इसके बाद हमने ये 2004 में इसको फैलाता है, ठीक है। अब फीमेल मस्कीटोज के जो थोड़े आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ये रहते हैं कि उसके स्पॉटेड जैसे डेंगू का में हमने अब इसका कैसे कंट्रोल करना है, हमने कंट्रोल एम्बुजिया फिश होती है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के। ये डेंगू और मलेरिया की वर्कशॉप आज हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, वो ये है कि जो मौसम के मुताबिक जो अभी मच्छर आने हैं और डेंगू के मच्छर और मलेरिया के मच्छर जो होंगे उनको हम लोग रोक करने के लिए थोड़ा सा जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं वो हमेशा हर साल ही बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी और ट्रेनिंग दे के ये हम उनको बताना चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें हम ऐड करें ताकि उसमें से हम लोग इसकी प्रोटेक्शन कर सकें और लोगों को एक्सपोज़र ना हो ज़्यादा मलेरिया और डेंगू से। और पिछले साल भी जैसे हम इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिसके कारण पठानकोट में डेंगू के केसेस ज़्यादा नहीं आए हैं, इसी मुताबिक हम लोग इस साल भी इनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ये अपना जो सबको अवेयर करें और जहाँ पे स्प्रे करने की ज़रूरत है इनको लार्वा मिलता है स्प्रे करें, और उसके साथ हम लोग इस शहर को ज़्यादा मलेरिया और डेंगू से बचा सके। आम लोगों के लिए मैं क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और किस तरह की हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एडवाइजरी जारी की गई इसके लिए? आम लोगों को यही बोलेंगे कि अगर कोई बुखार हो किसी को या उनको लगे कि मच्छर से कुछ कहीं भी उनका एक्सपोज़र हुआ है, उनको उस एरिया में लगता है कि बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, तो वो इसको आके हमें भी इन्फॉर्म करें और हमारे वर्कर फिर उस जगह जाके वो सभी को और को भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन करनी। अस्पताल पठानकोट विच अपा अपने वक्रे ब्लॉक्स से मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स लई 2 दिन की ट्रेनिंग रखी हैगी है, क्योंकि जिदा कि तुसी सारे जानते हो कि पिछले साल साढ़े ज़िले विच डेंगू का बहुत कैर सीगा, ते इस बारी उस लई अपा पहले तो ही तैयार रहना चाहते हैं कि साड़ी वो सिचुएशन जिहड़ी है वो दोबारा ना आए। इस दे बारे अपा साडे सारे फीमेल हेल्थ वर्कर्स की आज ट्रेनिंग लिती गई सी, जिदे विच मानयोग साडे सिविल सर्जन मैम दी अगवानवी विच अपा ये रखी सीगी, ते इहदे विच आपां दस्सिया है कि आपां डेंगू मलेरिया दे जिहड़े लार्वा हैगे ने जो कि अगे चल के डेंगू ते मलेरिया दे मच्छर बनते हैं, एडीज एजिप्टा और एनोफिलीज, इसके बारे में जानकारी दित्ती गई है, ते इन्हां लार्वा नूं आपां किद्दां डिस्ट्रॉय करना है, किद्दां आइडेंटिफाई करना है, ते मलेरिया ते डेंगू दे मुख लक्षण की रहिंदे ते ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਲੋਕਲ ਆਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਕ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आम पब्लिक लई सबसे ज़्यादा जरूरी जिदा आपा अंदर ट्रेनिंग विच भी दस्या है, कोई भी एपीडेमिक दे 3 चीज़ां मुख रहिंदी है, एक होस्ट जाने की जिन्हों बुखार या बीमारी जिदे विच पनपदी है, ठीक है, दूजा एनवायरमेंट जिन्हों की आपा कहिंदे साडा वातावरण, ते तीजा रहिंदा है कि साडा वैक्टर या जो बीमारी फैलाता है वो एजेंट, ते इना तीना चीज़ा विच अपा सिर्फ वैक्टर ते एनवायरमेंट विच ही कंट्रोल ला सकते हैं,
जिहड़ी आम जनता है उन्हां लई सब तो ज़्यादा जरूरी है कि अपना जिहड़ा एनवायरमेंट है, अपना वातावरण है, वह साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, इधर कूड़ा गारबेज वगैरह इदा ना इत्थे उत्थे सुटे जिहदे विच पानी खड़ा हो सकदा है। ठीक है, जे कोई पॉट होल है या मतलब कहीं पानी इकट्ठा होया होया तो उत्ते अपने पद्धर ते भी वो काला तेल सुट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ां रहिंदियां ने, जिदा फुल जिहड़ा डेंगू मलेरिया का सीजन रहिंदा है, वो बारिशों का सीजन रहिंदा है, तो उस सीजन विच अपना पूरे स्लीवस के कपड़े डालें, ओडोमोस और ऐसे रेपेलेंट्स यूज़ करें। तो ये सब हमारे अपने लेवल पे भी अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें असी जे करिए तो आगे चल के एपिडेमिक या बीमारी नहीं बनद। थैंक यू। रागी होम डेकोर, गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स, सीलिंग, फर्नीचर एंड डोर पैनल, an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% eco friendly, 100% moisture proof, 100% termite proof, excellent weatherability, sound reducing, fire retardant, recyclable and lightweight जैसी खूबियों से भरी शील्ड्स, बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113।